बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पानी पूरी। पानी पूरी के लिए मैंने चार आलू को और थोड़े से चनों को गला लिए हैं। ये एक कटोरी चने हैं। उबालने के बाद इनको आप मैश करेंगे। उबाल लिया, अब ठंडे हो चुके हैं। अब मैं पहले इन्हें मैश करूंगी, फिर इसमें मसाले ऐड करते जाऊंगी। मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैंने इसकी जगह आप मटर भी ले सकते हैं, और ये थोड़े से चने को मैंने हरा कलर चढ़ा दिया है, है ना, ताकि मैं इसमें थोड़ा सा कलरफुल बन सके। इसको भी मिला दूंगी। अब हम इसमें मिलाएंगे, ये मैंने पहले से ही काट ली थी प्याज। ये प्याज डालेंगे, इसको बारीक अच्छे से काटें, और हम इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि है ये मैंने पहले से ही रोस्ट कर लिया था जीरा। जीरे को अच्छे से रोस्ट करना है, जब तड़तड़ की आवाज़ आए उस स्टेज तक करना है, और फिर इसको पीस लेना है। मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, और ये है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और अपना सफ़ेद नमक, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें हरी मिर्ची डालते हैं, या तो फिर हरी मिर्ची और पुदीने की चटनी। तो ये मैंने करके रखी है, चटनी बना के रखी है, तो मैं पुदीने की और हरी मिर्ची की चटनी डाल दूँगी इसमें करीब 2 चम्मच। तो मैं इसको भी मिला लेती हूँ। अब चाहे तो थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब मैं डालूँगी हरी आलू। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, और ये चटनी में मैंने मिर्ची, हरी आल और पुदीना, नमक और एक दो लहसुन की कली, और काला नमक और सफ़ेद नमक, ये मिला के पीसी है, इसको तैयार किया चटनी को। अब हम ये तैयार हो चुका है, और इसको हम थोड़ा सा सजा देंगे। ये जी तैयार है हमारा मसाला। अब हम पानी बनाएंगे। पानी बनाने के लिए पहले हम एक गिलास पानी लेंगे, उसे थोड़ा सा खाली रखेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो पुदीना की चटनी डालेंगे, पुदीना, आल और मिर्ची की चटनी ऐड करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच ऐड की, ये 2 चम्मच के करीब। अब इसमें डालेंगे हम ये इमली का पानी। पहले इसको ना भिगा दी थी मैंने, और इसको अच्छे से हम इसका पल्प निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अब हम ये इमली का पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे छन्नी से छान कर इसमें डालेंगे। इसमें मैंने एक गिलास पानी ले चुकी हूँ ये, और ये है मेरा एक गिलास, ये 2 गिलास। हम 1 लीटर की बना रहे हैं, इसमें 2 गिलास और ऐड करेंगे। पहले हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर छान कर। देखिए मैंने छान ली है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर ये भी थोड़ा मोटा हो तो इसे भी इसी गिलास में जब ये डालेंगे ना, तब डाल दें और फिर छान लें। ये हमारा पूरा 4 गिलास हो चुका है 1 लीटर। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमने ली है लाल मिर्ची 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया लिया है, और ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और थोड़ी सी हींग, और ये है पानी पूरी मसाला, पानी पूरी मसाला का मसाला, और हमारा ये है भुनावा जीरा, और ये है हमारा अमचूर पाउडर।
ठीक। और ये है हमारा सफ़ेद नमक, ये सबको पूरे को हमने इस पानी में ऐड कर देना है। हमारा मसाला भी रेडी है और हमारा पानी पूरी का पानी भी रेडी। इसको चाहो तो और फिर से छान सकते हैं। मैंने थोड़ी सी आल सजाने के लिए डाल दी है। अब पूरी के लिए ली है मैंने रेडीमेड पूरी, मैं अगली बार बनाना भी बताऊंगी, तो इसको हम अभी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तैयार हैं बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत प्यारे बने हैं।
बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब।